आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर 500 साल का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। आज अगर राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होता दिख रहा है तो इसके पीछे कई लोगों का बड़ा योगदान है। सालों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए हुए आंदोलन में कई प्रमुख चेहरों को समय समय पर अभियान को आगे बढ़ाते देखा है। राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े कुछ चेहरों को जहां प्रसिद्धि और प्रचार मिला, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनके नसीब में सिर्फ गुमनामी ही आई। तो चलिए जानते हैं राम मंदिर के उन सभी चेहरों को जिनके प्रयास के बिना राम मंदिर का सपना अधूरा था। परमहंस रामचंद्र। परमहंस रामचंद्र दास की गिनती उन संतों में होती है जिन्होंने सबसे शुरुआत में राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई की थी, साथ ही लगातार देश भर में आवाज उठाकर लोगों को इकट्ठा करने का काम किया था। 22 दिसंबर 1949 की रात को जब राम जन्मभूमि में विवादित स्थल पर राम लला की मूर्ति रखी गई थी, उसके बाद से हर कोई हैरान था और वही घटना आगे जाकर कानूनी लड़ाई का कारण बनी थी। उसी घटना ने राम जन्मभूमि आंदोलन को एक नया कलेवर दिया, जिसे अमली जामा पहनाने वाले प्रमुख लोगों में परमहंस रामचंद्र दास भी रहे। हाल ही में 31 जुलाई को परमहंस की 17वीं पुण्यतिथि थी। महंत रघुबर दास। मंदिर आंदोलन के आरंभकर्ताओं में से एक महंत रघुबर दास थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के पास राम मंदिर बनाने की अनुमति के लिए फैजाबाद कोर्ट में याचिका दायर की थी। अयोध्या में कई संत अभी भी राम मंदिर के निर्माण के लिए कानूनी लड़ाई शुरू करने का श्रेय महंत रघुबर दास को देते हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुमनाम रहना ही पसंद किया। गोपाल सिंह विशारद। राम मंदिर निर्माण के प्रमुख योद्धाओं में एक नाम है गोपाल सिंह विशारद का, जिन्होंने 1950 में स्वतंत्र भारत में मंदिर विवाद को लेकर पहला मामला दायर किया था। गोपाल सिंह विशारद बलरामपुर जिले के निवासी थे और हिंदू महासभा के जिला प्रमुख। जब वो 1950 में भगवान राम का दर्शन करने जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद उन्होंने एक याचिका दायर की और हिंदुओं को राम जन्मभूमि तक बेरोक टोक जाने की अनुमति मांगी। के नायर। राम मंदिर के सफर में 1930 बैच के आईएएस अधिकारी के नायर भी गुमनाम हैं। के नायर उस वक्त फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट थे जब 22 दिसंबर 1949 की रात को राम लला की मूर्ति विवादित परिसर पर रखी गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने विवादित स्थल से राम लला की मूर्ति को हटाने का आदेश दिया था, मगर नायर ने ऐसा करने से मना कर दिया। नायर ने अपने राजनीतिक आकाओं से कहा कि मूर्ति हटाने से पहले उन्हें हटाना होगा। केरल के एलिप्पी के निवासी के नायर ने 1952 में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प चुना और 1967 में जनसंघ के टिकट पर बहराइच से चौथी लोकसभा के लिए चुने गए। केसरगंज लोकसभा सीट से उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी दो बार चुनी गई। महंत दिग्विजय नाथ। साल 1949 में गोरखपुर में गोरक्ष मंदिर के मुख्य पुजारी महंत दिग्विजय नाथ ने मूर्ति को विवादित परिसर में रखने के बाद मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया। महंत ने सभी संतों और साधकों को एक मंच पर लाए और आंदोलन का खाका तैयार किया, जो बाद में पूरे देश में फैल गया। साल 1969 में उनके निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ ने मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने मंदिर आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। सुरेश बघेल। सुरेश बघेल भी इस सफर के गुमनाम चेहरे ही हैं, जिनके मंदिर में योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि मस्जिद ढाने वालों में इनका नाम प्रमुख है। मथुरा के वृंदावन के निवासी कार सेवक सुरेश बघेल ने बाबरी मस्जिद को गिराने का पहला प्रयास किया और पुलिस कार्रवाई का सामना किया। बघेल ने राम मंदिर के लिए पुलिस गिरफ्तारी से लेकर आंदोलनों के कई चक्कर लगाए हैं। फिलहाल बघेल एक प्राइवेट कंपनी में 6000 रुपए प्रतिमाह की नौकरी करते हैं और इन्होंने मंदिर से संबंधित मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अशोक सिंगल। 1990 के दशक में जब मंदिर आंदोलन को गति मिली तब बाबरी मस्जिद के विध्वंस के ही वजह से विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप नेता अशोक सिंगल हिंदुत्व के प्रमुख
वास्तुकार बन गए। उनके नारे एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो, इसने एक उन्माद पैदा किया और हिंदुओं को पहले की तरह लामबंद कर दिया। 2015 में सिंगल का निधन हो गया और वो राम मंदिर का निर्माण देखने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है। प्रवीण तोगड़िया उस वक्त के VHP के वरिष्ठ नेता को मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका के लिए भी जाना जाता है। हालांकि अशोक सिंगल के निधन के बाद उन्होंने अपना दबदबा खो दिया। लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के कारण राम जन्मभूमि आंदोलन का वास्तुकार माना जाता है। इतना ही नहीं, राम मंदिर के पक्ष में अडवाणी की रथ यात्रा को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे अहम कड़ी के रूप में देखा जाता है। भाजपा के शीर्ष नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने भी मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनकी पार्टी को बड़ा राजनीतिक लाभ मिला। एक तरह से देखा जाए तो भारत के राजनीति में भाजपा का उदय सीधे मंदिर आंदोलन और इन दोनों नेताओं द्वारा निभाई गई भूमिका से जुड़ा हुआ है। विनय कटियार न सिर्फ बजरंग दल के संस्थापक हैं, बल्कि एक फायर ब्रांड हिंदू नेता भी, जिन्होंने मंदिर आंदोलन को एक धार दी। कटियार अयोध्या से 3 बार के सांसद बने, मगर बाद में राजनीतिक गुमनामी में चले गए। कल्याण सिंह। राम मंदिर निर्माण आंदोलन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह एक अन्य महत्वपूर्ण शख्स हैं। जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, तब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे और उसी दिन उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। कल्याण सिंह को अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया गया था। राम मंदिर के लिए कई दशकों तक चले आंदोलन में ये प्रमुख चेहरे, जिनके संघर्ष की बदौलत राम मंदिर निर्माण का सफर मंजिल तक पहुँचा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बौद्धिक और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।